हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं मधे वाटरफॉल। तो वो हमारे इधर से अप्रॉक्स 130 किलोमीटर है। तो हम रुके फ्यूल अप करने के लिए। बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैंने Insta360 नहीं लगाया अपना। तो जब बारिश रुकेंगी तब आपको दिखाऊंगा मैं। तो गाइस, हम अब पहुँच चुके हैं इधर पिंपले गुरु में। तो देखते हैं बाइट का काउंट कितना है। 1 2 3 4 5 6 बाइक का काउंट है। आगे और भी बंदे आने वाले हैं हमारे चांदनी चौक में। तो आपको डायरेक्ट हम उधर की साइड मिलेंगे। साथ में राइडर से इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे चल गए। चलो, हमारे नितेश भैया भी आ गए हैं, अब हम चलते हैं। भाई कब आएंगे हमारे ऐसे दिन? ये देख सकते हो आप, वाह वाह वाह। देखो दूसरा भी आ गया। ये देखो भाई, कपल राइड हो रहा है इधर। ये देखो राइडिंग गियर बहुत जरूरी है भाई। भाई क्या व्यू है यार, जो व्यू हमारे आंखों से कैप्चर होता है वो कैमरे में नहीं हो सकता यार। आप लोगों को दिखता होगा शायद, क्योंकि कैमरे का एंगल तो मुझे भी नहीं पता ठीक से। इधर का भी हो गया, उधर सिंहगढ़ कॉलेज है। और ये हमारा ब्लैक पर्ल, पूरा ब्लैक ब्लैक गंदा हो गया यार आज। सभी आज ब्लॉग बना रहे हैं, सभी देख सकते हो कितने ब्लॉगर्स है इधर। 2 3 4 तो ये भी देखो, इसका भी ब्लॉग Insta360 में हो रहा है, X2 में। तो भाई मजा आने वाला है राइड पे। मतलब इतने बंदे आए हमारे, आधे बंदे तो नए हैं, बाकी के हमारे पुराने बंदे ने नया बाइक लिया है। भाई ओंकार भाई, मेरा मतलब मेरा लेंस भी मेरा गंदा कर गया। R15 वाले और MT वाले और ये KTM बहुत कीचड़ उछालते हैं ये लोग। अब सबसे पीछे मैं ही हूँ, आप लोग आगे देख सकते हैं, सभी राइडर्स लोग जा रहे हैं। ब्लॉग कैसा बना है कमेंट में जरूर बताना हमको। हाई टनल आ रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग आगे। ये देख सकते हो आप, इसने टेल टेढ़ी लगा है लेकिन पूरा कीचड़ पीछे से आगे जा रहा है इसके। ये बार बार चेक कर रहा है कि सैक का क्या हाल हुआ होगा इसके। आप लोग व्यू देख सकते हो आप, भाई क्या नजारा है इधर। हमारे बंदे तो आगे चले गए क्योंकि हम कैमरा निकाल रहे थे, यहाँ थोड़ी बारिश नहीं तो सोचा शूट कर ले। मैं तो नहीं झुकाऊंगा भाई गाड़ी, भाई मेरा तो टायर का सीन हो जाता है, इसलिए मैं बाइक नहीं झुकाऊंगा। देखा आपने कैसे चिल्ला रहे भाई बंदे, यार मजा आ गया। नीचे की साइड से इतना अच्छा बढ़िया व्यू है ना, आपको अगर मैं ऊपर गया ना तो दिखा दूंगा।
क्या व्यू लग रहा है नीचे की साइड। देखो ये डैम, डैम का व्यू देखो भाई, क्या मस्त लग रहा है व्यू। नीचे बाइक जाएगी क्या हमारी? नहीं चला जाएगा नीचे। क्या होते ये चला गया फिर से बज गया। इसकी वजह से मैं भी चला जाता यार, मैं तो इस बार रिस्क लेने ही नहीं वाला हूँ। जब तक मुझे मेरा प्रॉब्लम समझ नहीं आता बाइक का, तब तक तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे बाइक चलाऊंगा। ऐसे ही मजा आता है मेरे को धीरे धीरे चलाने में। चला गया क्या क्या नीचे? वही लगा मेरे को। धीरे धीरे चल। ऐसे ही चला गया था मैं तामिनी में। भाई ये भी चला गया था नीचे, रोड के नीचे बाइक लेके गया था, इसलिए मैं तो रिस्क ही नहीं ले रहा। अब एक बार अगर एक्सपीरियंस आ जाए ना भाई, तो फिर बार बार वही गलतियां करने में कोई मजा नहीं है, तो इसलिए धीरे ही चलो। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो भाई अपने बाइक का स्पीड धीरे कम ही रखो, जैसे अब मैं रख रहा हूँ। मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन बाइक का इशू है भाई मेरे, इसलिए तो, वरना हो जाता हमारा भी अच्छे से। और मेरे टायर्स भी छोटे हैं ना, 130 सेक्शन के टायर है मेरे पीछे वाले भाई। KTM का और बाकी गाड़ियों का, बाकी बाइक्स का बड़े टायर। ये चालू हो गया घाट, व्यू कैसा आ रहा है बता देना आप लोग मुझे कमेंट में। एंगल कैसा रखूं, सेट करना पड़ेगा मेरे को फिर से लगता है। देखो भाई क्या नजारे है यार इधर। राइड पे सेफ जाओ, सेफ घर लौटो, रे करने का सिर्फ। बाकी क्या, गाड़ी हम बाद में भी भगा सकते हैं, लेकिन रोड रोड देखो आप लोग कैसा है, मस्त। गाड़ी भगाने के लिए बना है ये रोड। सिर्फ गाड़ी उतनी भगाओ जितने आपको कंट्रोल हो सके, वरना सिर्फ भगा के कुछ मतलब नहीं है बाइक का। वाह भाई क्या मस्त रोड। अरे अरे ये क्या हो गया भाई, ये चला गया फिर से नीचे। अबे अबे रुक, लगा नहीं ना तुझे? उधर से उठा, इधर भी पकड़, चाबी पकड़, नीचे नीचे। सूरज धीरे चला भाई, फिर से वही हुआ ना तेरे साथ, फिर से वही हुआ ना, इसलिए बोल रहा हूँ धीरे जा। सुनना सुनना कि आगे से निकल दे, इधर से निकल, आगे ले आगे ले। धीरे से चल।
धीरे धीरे क्यों गिर गया इतना? ये भी गया क्या नीचे? सूरज खड्डा तेरे गेलो तर है की आई त्रुतर के आए वॉटरफॉल वॉटरफॉल के लिए रुके बंदे आप फर्स्ट राइड का एक्सपीरियंस तो याद ही रहेगा। इधर पहुंच गए, ये देखो हमारे बाइक सब लोग, तो इधर से एंट्री फीस है 30% है, तो इधर से हम फीस देके आगे निकलेंगे। ये रहे हमारे बाइक्स और हम इधर रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाने के बाद जाएंगे वाटरफॉल पे। वाटरफॉल पे जाने के बाद आपको मत फोटो शूट वगैरह करेंगे। देखो सब बंदे बैठे हैं अपने। गाइस फाइनली हम पहुंच गए मध्य वाटरफॉल को। ये देख सकते हो आप, ये वाटरफॉल। नीचे जाने के लिए उधर से पता नहीं, नीचे जाएंगे बाद में। ऐसे हमें जाना पड़ता है नीचे। ये देखो 360 में भी शूट चल रहा है हमारा, आपको बाद में दिखा दूंगा। ये इसका फुटेज भी डाल दूंगा। तो ऐसा मस्त रोड है, डायरेक्टली अब नीचे जाके आपको दिखाएंगे। देखो फाइनली हम पहुंच गए। ये रहा वाटरफॉल, देख सकते हो आप भाई क्या व्यू आ रहा है, एक नंबर भाई। ये देखो यहाँ पे रैपलिंग भी चलती है, वाटरफॉल रैपलिंग है भाई, मस्त लग रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर अपना ट्रैक खत्म हो रहा है, अब हम जाएंगे हमारे बाइक्स के पास और उधर से डायरेक्टली
घर। हमारी राइड पूरी हो चुकी है तो अब हम लौट रहे हैं वापस घर।